एवरी वन आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दी वाओ फेक्टर सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो डिसम्बर uh, इन चल रहा है और ईयर एंड होने वाला है तो जितनी भी विशेज़ हैं आपकी आने वाले साल में पूरी हों आपका ना आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा जाए और क्रिसमस भी आने वाला है तो मैरी क्रिसमस इन एडवांस ये देखिए क्रिसमस ट्री सज चुके हैं तो सब जगह एक फेस्टिव वाइब्स है जो बहुत अच्छी लगती है एंड uh, अगर मैं बात करूँ uh, इस वीडियो की स्पेशली ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ एक्चुअली uh, जो मेरा बेटा है वो जैस uh, ही इज़ कम्प्लीटिंग नाइन मंथ्स टेज इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ़ दिसंबर तो वो nine months का हो गया है you know होता क्या है जब उसके वो milestones achieve करते हैं ना बच्चे तो हमेशा एक जो new parents होते हैं ना उनको बहुत excitement होती है उनको लगता है कि uh, उनके साथ पता नहीं एक अलग सी चीज़ हो रही है बिल्कुल हट के चीज़ हो रही है तो you know वो excitement वो आप share करते हैं अपने friends से अपनी family से तो यूट्यूब वाली जो फैमिली है मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ अपनी एक्साइटमेंट अपने बेटे के जो माइल स्टोन्स अचीव कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली वो मैं आज लोगों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है कि नाइन मंथ्स में बच्चा बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे का यू you नो know, कौन कौन से माइल होते हैं जो वो अचीव करता है देखिए हर बच्चा अलग होता है इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी चाइल्ड इज़ डिफ़रेंट जो उनका ग्रोइंग प्रोसेस uh, होता है वो भी डिफरेंट होता है क्योंकि वो किस तरीके से यू नो ग्रो कर रहे हैं कितना वो एक्टिव है कितना एक्टिव नहीं है डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आज सिर्फ इस बारे में बात करेंगे नाइन मंथ्स का जब बच्चा होता है उसकी क्या क्या माइल होते हैं और वो क्या क्या अचीव करता है यू नो नाइन्टी जो किड्स होते हैं उनके माइल की मैं यहाँ पर बात कर रही करूँ स्पेशली जो मेरे बच्चे ने अचीव किए मैं उसी की बात करूँगी पर तो सबसे पहला माइल स्टोन ऑब्वियसली मेरा जो बेटा है उसके टी आने शुरू हो गए नीचे वाला पहले एक दांत आया है दूसरा है वो अभी अंडर प्रोसेस है वो पहला जो है वो विजिबल हो गया मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे फोटोग्राफ है वीडियो में दिखाऊंगी कि उसका एक छोटा सा दांत है वो आ गया है तो आई एम सो हैप्पी एंड वो जब कभी कभी काट लेता है ना <laughs> तब तो मीनू बस पूछो ही नहीं एनी तो um, अब जैसे कि मैंने बताया उसका एक दांत आ गया है तो अभी वो सॉलिड उसको खाना है सब कुछ उसको यू नो उसको सब कुछ च्विंक करके खाना है और मोस्टली सॉलिड खाना है तो ये उसका सबसे पहला माइल स्टोन है इनफैक्ट जो एट मंथ जब स्टार्ट हुआ था खत्म होने वाला था तभी उसको ये जो टीथ थे वो आने शुरू हो गए थे क्योंकि सबसे पहले मम्मा को ही पता लगता है क्योंकि मैं उसे फीड कराती आती हूँ तो मुझे पता लग गया था उसके टीथ आने शुरू हो गए हैं तो पहला माइल तो उसने ये अचीव किया है बहुत ब्यूटीफुली तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ओजस के जो हैं वो टीथिंग होनी शुरू हो गई है और उसका जो फर्स्ट टीथ है वो आ गया है और उसके साथ में एक छोटा सा दूसरा टीथ भी आने वाला है तो वी आर सो हैप्पी गॉड प्लेस यू बेटा और उसके साथ साथ जो उसका सेकेंड माइल है स्टैंड करने का यू नो फर्स्ट स्टेप लेने का वो भी शुरू हो गया है अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जब ओजस सोता है और जब वो सोकर उठता है ना उसका सबसे पहला काम यही होता है कि उसको स्टैंड करना है नो no मैटर वो कहाँ खड़ा है कहाँ मतलब कहाँ सो रहा है कहाँ पे लेटा हुआ है कुछ मैटर नहीं करता बस उसको जब सोकर उठना है तो उसे स्टैंड करना है चलिए दिखाती हूँ वो कैसे स्टैंड करता है ये मैंने उसकी क्लिपिंग्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिसमें वो आपको स्टैंड होकर दिखाएगा और मतलब उसको जैसे मैंने बताया ना उसको रोना नहीं है उसको किसी को ढूंढना नहीं है सिर्फ उसको स्टैंड होना है अभी तो मैं कैमरा लेके खड़ी हुई तो अभी वो मुझे देख रहा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसने खड़े जो होना है स्टैंड लेना है तो स्टैंड यहाँ पे देखिए अब स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे तो ये ये हमारे ओजिस का जो नाइन मंथ्स का माइलस्टोन है ये उसने ये दो माइलस्टोन स्टोन बहुत ब्यूटीफुली अचीव किए हैं हालांकि हम उसके जब टीथिंग आ रही है उसकी तो हम उसे कैल्केरा दे रहे हैं सो so दैट कि उसको ईचिंग जो होती है जो उसको पेन होते हैं वो ज़्यादा ना उसे इरीटेट करे क्योंकि बच्चे इस टाइम पर क्या होता है उनको फीवर आ जाता है थोड़े से अनइजी रहते हैं थोड़ा सा यू नो बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं तो ऐसे में बच्चों को ज़रूर डॉक्टर के पास एक बार विजिट ज़रूर करवाएं अगर वो सजेस्ट करते हैं तभी दें डॉक्टर की सलाह के साथ ही दें ऐसे नहीं दें ये देखिए धीरे धीरे स्टैंड कर रहा है ओजस और स्टैंड करके सबसे पहले वो स्माइल करता है और आवाज़ निकालता है और जो इसका थर्ड माइल स्टोन है वो यही है कि वो आवाज़ निकालना शुरू हो गया है मम्मा पप पप्पा ऐसे करना शुरू हो गया है अभी क्लियरली नहीं बोल रहा है मे बी बिकॉज टेंथ मंथ में शायद वो बोलना शुरू कर दे और अभी जैसे कि विंटर शुरू हो गए हैं तो ंटर में होता है कि बच्चे हम नीचे नहीं उतारते हैं उनको तो वो फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा सा उनका लेट हो जाता है लेकिन फिर भी वो जिसको ये रहता है कि मुझे नीचे उतरना है मुझे चलना है और मुझे वॉक करना है तो यहाँ पर देखिए कितनी बार ट्राई कर रहा है ट्राई करते करते उसने मतलब वो ट्राई करके खड़ा हो जाता है बहुत अच्छे से और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी एक रील डाली थी जो कि बहुत यू नो सबको बहुत अच्छी लगी थी कि ट्राई ट्राई एंडिल यू सक्सीज तो यहाँ पे उसने इतनी बार ट्राई करने गया तो फाइनली स्टैंड कर लिया और अब उसका यही रहता है वो अच्छे से स्टैंड कर लेता है कुछ चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है और बस उसकी एक फर्स्ट स्टेप लेने की देर है फिर तो वो चल देगा सो so, यहाँ पे देखिए सोफ़े की हेल्प से वो यहाँ पे खड़ा है और डांस कर रहा है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए मेरी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए और उसकी आईडी मैं अपने यहाँ सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ पे जाके चेक करना ज़रूर और मुझे फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पर तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे जिसके हो गए नाइन मंथ्स कम्प्लीट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू बेटा